अवैध रूप से 800 से अधिक भारतीयों को अमेरिका में दाखिल कराने के मामले में 49 वर्षीय उबर ड्राइवर भारतीय मूल के व्यक्ति राजेंद्र पाल सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका न्याय विभाग के मुताबिक कैलिफोर्निया निवासी सिंह ने फरवरी में अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही उसने ये भी कबूल किया कि लोगों को अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री दिलाने के नाम पर $5 लाख से अधिक का मुनाफा कमाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाहक अमेरिका अटॉर्नी टेसा गोरमन ने कहा कि राजेंद्र सिंह को कुछ भारतीयों को ट्रांसपोर्ट और स्टे देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए 45 महीने की जेल की सजा मिली है। करीब 4 साल के भीतर दोषी राजेंद्र सिंह ने कनाडा से वॉशिंगटन राज्य में उत्तरी सीमा पार 800 से अधिक भारतीय लोगों को भेजा। इसके चलते अमेरिका के लिए राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और अवैध रूप से आ रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई। राजेंद्र सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले के मुताबिक जुलाई 2018 से मई 2022 तक कनाडा से अवैध रूप से सीमा पार करने वाले लोगों को अमेरिका के सिएटल क्षेत्र में ले जाने के लिए उबर कैब का इस्तेमाल किया। लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका लाने के लिए राजेंद्र और उसके सहयोगी तड़के सुबह लेकर निकलते थे। इन पूरे 4 साल में राजेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिकों के परिवहन से संबंधित 600 से अधिक यात्राओं की व्यवस्था की। मामले की जांच कर रहे अधिकारी जब राजेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे तो उन्हें $45,000 नकल और कई नकली दस्तावेज मिले। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने पिछले 6 महीनों में कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़े गए लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की है।